68 तीर्थों, 19 कूपों की 24 परिक्रमा में पहुंचे हजारों श्रद्धालु। हजारों साल पुरानी 24 कोसी परिक्रमा आज संबल में शुरू हो गई है। हजारों श्रद्धालु परिक्रमा में उमड़े हैं। संबल क्षेत्र के 68 तीर्थों एवं 19 कूपों की इस परिक्रमा में श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि 24 कोसी परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में भी परिक्रमा का वर्णन है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार भी कल्कि नगरी में होगा। कार्तिक मास में चतुर्थी और षष्ठी को परिक्रमा का आयोजन होता है। परिक्रमा के मद्देनजर परिक्रमा मार्ग पर पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को व्यापक प्रबंध किए हैं। मतलब 24 कोसी परिक्रमा का आयोजन किया गया है, क्या महत्व है इस परिक्रमा का? प्राचीन अर्वाचीन काल से संबल की धार्मिक फेरी का बहुत हमारे हिंदू समाज के माइथोलॉजी में और हिंदू पुराणों में बड़ा विस्तृत विवरण किया गया है। स्कंद पुराण के 16वें खंड के 4th अध्याय में इसके बारे में विस्तृत मीमांसा की गई है कि संबल प्रभु कल्कि की नगरी है और यहाँ पर 68 तीर्थों का वास है और 68 तीर्थों की प्रदक्षिणा जो है कार्तिक मास की पंचमी को आरंभ होकर कार्तिक मास की षष्ठी को पूर्ण होती है। और षष्ठी पर सूर्य छठ का जो पूरे देश की दुनिया के अंदर विशेष आयोजन होता है, यहाँ सूर्यकुंड मंदिर पर जाकर उसका समाप्ति होती है और संबल की प्रदक्षिणा करने के उपरांत संबल नगरी की आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी के तहत ये सब मोक्ष की कामना में हमारे लाखों की संख्या में धर्मावलंबी आज यहाँ पर देख घूम रहे हैं, जा रहे हैं और अपनी परिक्रमा कर धार्मिक लाभ कमा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश शासन से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि संबल की धार्मिक परिक्रमा मार्ग के लिए कम से कम शासन से और भी वो प्राप्त हो धन। कुछ मार्ग हमारा बना है, कुछ मार्ग अभी हमारा अधूरा है। चंद्रायन स्थित हमारा जो मंदिर है जहाँ रात्रि में कम से कम 10,000 लोग प्रवास करते हैं, वहाँ पर पक्के शेड बने। हमारा उस चंद्रायन के बाद जो अजीतपुर असदपुर होते हुए सीधे वंशगोपाल तक का क्षेत्र मार्ग है, जो संबल की सर्कुलर यहाँ पर बाईपास की परिक्रमा भी है, उससे मैच भी करता है, वो वाला पार्ट भी बने जिससे प्रक्षणा करने वाले लोगों के लिए एक सुंदर सुगम मार्ग भी प्राप्त हो जिससे वो लोग अपनी मनोकामनाएँ पूर्ण कर सकें। संबल में आज 24 कोसी परिक्रमा का आयोजन किया गया है, लाखों श्रद्धालु इसमें परिक्रमा लगा रहे हैं, क्या महत्व है इस परिक्रमा? ये परिक्रमा हजारों वर्ष चली आ रही है सुचारू रूप से और यहाँ पर जो है लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है प्रातः 3 बजे से वंशगोपाल तीर्थ से लेके और रात्रि विश्राम करेंगे चंद्रायन और अगले दिन वंशगोपाल तीर्थ पर बेनीपुर चक जाके ये समाप्त होगी। और ये जो है इसका महत्व संभल के अंदर 68 तीर्थ 19 कूप हैं, इनकी सबकी परिक्रमा करने के बाद इसकी परिक्रमा का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। और जैसे अयोध्या मथुरा गया इस तरीके के जो हमारे शहर हैं उनमें हिंदुओं की जो आस्था का प्रतीक है उसी से संभल भी उसी से जुड़ा हुआ शहर है और इसीलिए यहाँ लाखों की तादाद में इस परिक्रमा का जो है रूप दिया गया है। हजारों वर्ष पुरानी परिक्रमा है।